और जाने माने एक्टर कुशल पंजाबी ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। मुंबई पुलिस ने उनके आत्महत्या किए जाने की पुष्टि की है। हालांकि आत्महत्या की वजह का पता अब तक नहीं चल पाया है, लेकिन सुसाइड नोट से इस बात का पता चलता है कि उनके अपनी पत्नी से संबंध ठीक नहीं चल रहे थे। टीवी के सबसे चहेते सितारों में से एक कुशल पंजाबी का 37 साल की उम्र में निधन हो गया है। जैसे ही उनके निधन की खबर आई, हर कोई चौंक गया। कुशल पंजाबी ने फांसी लगा ली। कहा जा रहा है कि कुशल पंजाबी डिप्रेशन में चल रहे थे, इसी के चलते उन्होंने सुसाइड किया। मुंबई के वांद्रा के घर में पंखे से लटका हुआ शव मिला। कुशल की मौत की खबर से टीवी इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया। कलाकार और फैंस उनकी मौत की खबर से सदमे में हैं। इस बात की जानकारी अभिनेता करणवीर बोहरा ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट करते हुए दी। करणवीर बोहरा लिखते हैं कि तुम्हारे निधन की खबर ने मुझे झकझोर कर रख दिया। करण के इस पोस्ट पर कई सेलेब्स ने हैरानी जताते हुए उनकी आत्मा की शांति की दुआ की। खबरों की माने तो कुशल बीवी से अलग हुए और इसी वजह से उन्होंने सुसाइड किया। कहा तो ये भी जा रहा है कुशल आर्थिक तंगी से भी परेशान थे। बांद्रा पुलिस को एक्टर के घर से सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें लिखा है कि मेरी आत्महत्या के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं जीना नहीं चाहता हूँ। मैं अपनी जिंदगी खत्म कर रहा हूँ। मेरी संपत्ति का 50% मेरी बहन और माँ को दिया जाए और 50% मेरे 3 साल के बेटे को दिया जाए। मौत की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों ने कहा कि कुशल के माता पिता गुरुवार रात 10:30 बजे घर पहुंचे और दरवाजा बंद पाया। दरवाजा तोड़ने के बाद फ्लैट में जैसे ही दाखिल हुए, कुशल को मृत पाया। पुलिस ने आगे कहा कि कुशल पंजाबी की पत्नी इंडिया में नहीं थी और कुशल अपने फ्लैट में अकेले थे। कुशल पंजाबी ने फिल्म लक्ष्य काल, सलाम इश्क और दे धनाधन गोल जैसी फिल्मों में काम किया था। इसके अलावा उन्होंने कई रियलिटी शोज, वेब शोज कुसुम, इश्क में मर जावा जैसे कई लोकप्रिय टीवी सीरियल्स में भी काम किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।